नवीन मोटर वाहन कायद्याविरोधात टँकर चालकांचा संप, पेट्रोल पंपावर होते तोबा गर्दी. सरकारच्या नवीन मोटर वाहन कायद्याविरोधात काल रात्रीपासून ट्रक आणि टँकर चालकांनी संप पुकारलेला आहे. या संपामुळे अर्थातच पेट्रोल डिझेलचा पुरवठा रोखला गेलाय. परिणामी पेट्रोल डिझेल टंचाईची भीती निर्माण झाली आहे. याचाच परिणाम मुंबईतील पेट्रोल पंपावर देखील दिसून येत आहे. पेट्रोल पंपावर शेकडो दुचाकीस्वार आणि कार चालक त्यांच्या दुचाकी आणि कारमध्ये पेट्रोल भरण्यासाठी रांगेत उभे आहेत. त्यामुळे प्रत्येक पेट्रोल पंपावर गर्दी झाल्याचं चित्र आहे. ब्युरो रिपोर्ट, तेज मराठी न्यूज. 3 दिन के लिए स्ट्राइक है इसके लिए. अभी देखो गाड़ी गई है, अभी कोई चांस नहीं है. बस वही ड्राइवर लोग स्ट्राइक रखे हैं, ट्रांसपोर्ट वाले सब. मेरा नाम हर्ष देसाई है. अभी ये हड़ताल चालू है ट्रक वाले का, तो अभी क्या मालूम, अभी पेट्रोल डलवाने आए, अभी पेट्रोल मिलेगा अभी कि नहीं वो भी मालूम नहीं है. अभी तो अभी इतना भीड़ लग रहा है, अभी इन लोग के पास जितना पेट्रोल होगा उतना बेचेंगे, फिर क्या करेंगे. और अरे इतना लाइन है तो क्या करेंगे, पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है. तो वह हड़ताल की वजह से सब पूरा जाम है. हर पेट्रोल पंप का यही हाल है. मीरा भाईंदर में नहीं, हद तक भी सही है, मगर कुछ उसमें कुछ थोड़ा ज़्यादा ही है ऐसा. हमारा काम तो बाइक पे ही चलता है सर, हम आगे लगा लिए, हमारे पीछे तो लगा ही. इसके लिए मैं विरोध करता हूँ, जो लाइन भी है और एक कानून के लिए मैं विरोध करता हूँ. क्या है कानून, एक कानून जो ड्राइवर को 10 साल की सजा है और 7 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है, इसके लिए विरोध करते हैं हम सरकार की. आज यहाँ पे पेट्रोल पंप पे इतना भीड़ किस लिए? भीड़ लगा है, सब ट्रैफिक किए हैं, जाम लगाए हैं. लोगों को लग रहा है कि पेट्रोल पंप 2-3 दिन के लिए बंद हो जाएगा. अरे बंद होना ही चाहिए, बंद होना चाहिए सब कुछ. आप समर्थन में है? मैं समर्थन में हूँ. रोड पे है तो सरकार का गलत निर्णय है. तो ये गलत निर्णय है, ड्राइवर सब छोटे से आते हैं और लोग के ऊपर इतना बड़ा फैसला लेना उचित नहीं है, समझे. इसके लिए तो बहुत तकलीफ. अभी ड्राइवर लोग हड़ताल पर है, इसके लिए लगा हुआ है ना. अभी सब मालूम नहीं लगे, वो लोग के भी डर है ना, कुछ हो जाएगा तो उन लोग का जीवन पूरा बर्बाद हो जाएगा. वो काहे के लिए आएंगे, छोटे लोग रहते हैं ड्राइवर लोग, कोई बड़े घर से तो रहते नहीं वो लोग. वो लोग छोटे छोटे घर से आते हैं मेहनत करके. आप वो लोग के पास थोड़ा भी तो गलती होता है, हर एक ड्राइवर से होती है. और थोड़ा हो गया तो उसके लिए इतना बड़ा फैसला है तो गलत है ना. मैं ड्राइवर के समर्थन में ही हूँ सर, भले कुछ भी होगा, क्योंकि वो लोग के छोटे लोग आते हैं, ड्राइवर कोई बड़े घर से तो आते नहीं है ना. तो वो लोग मेहनत करके संघर्ष करके सीखते हैं, प्लस हम लोग के लिए ही वो लोग नाइट डे काम करते हैं ना. क्या हुआ? पेट्रोल गाड़ी नहीं आया पेट्रोल का, और क्या. तीन दिन नहीं मिलेगा पेट्रोल, न्यूज में आया है. क्या हुआ, ट्रैफिक है क्यों? क्या मालूम, अभी देखते हैं क्या ट्रैफिक है, क्यों हुआ है, क्या पेट्रोल है कि नहीं, आया है कि नहीं, क्या तो इतना ट्रैफिक क्यों है. ओके ओके, इसके क्या देखते हैं अभी ट्रैफिक पेट्रोल भराने आए लेट से क्या होता है.